चिलुआताल थाना क्षेत्र के उमरपुर में गोली मारकर की गई अज्ञात महिला का पुलिस ने शिनाख्त कर लिया है और हत्या के मुख्य आरोपी कामदेव सिंह पुत्र स्वर्गीय रामकिशन निवासी बधिक टोला थाना शाहपुर तथा में मृतिका के सगे बड़े भाई सिकंदर पाल पुत्र पारसनाथ पाल निवासी शिवपुर शहबाजगंज थाना गुलहरिया को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने आला कत्ल 32 बोर का नाजायज एक पिस्टल बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार सिंह और एएसपी रोहन प्रमोद भोत्रे ने बताया कि मृतका के सगे बड़े भाई सिकंदर पाल ने ही अपनी बहन रागिनी की हरकतों से तंग आकर अपने साथी से उसकी हत्या करा दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे और एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार सिंह ने बताया। ये हमारे थाना अध्यक्ष चिलुआताल और एसपी साहब और एसएसपी साहब के निर्देशन में स्पेशली जो है हमारी जो नीचे की टीम है इन्होंने बहुत मेहनत की है और एक ये ब्लाइंड मर्डर था जिसका जो है खुलासा हुआ है। कहाँ पे हुआ था सर मर्डर? क्या ये 21/11 को जो एक लड़के की लाश मिली हुई थी डेड बॉडी जिसमें जो है बुलेट से गोली मारी गई थी ग्राम उमरपुर में। तो इस चीज़ में जो है लगे रहने पे जो है उस लड़की की शिनाख्त हुई। उसके बाद जो है इस चीज़ का हम लोगों ने अनावरण किया कि उसको वास्तव में उसके भाई और उसके भाई के एक दोस्त ये सिकंदर पाल हैं जो लड़की का भाई है और कामदेव उसका दोस्त है इन लोगों ने मिल के गोली मारी थी। क्या कारण था सर? जो सिकंदर पाल है अपनी बहन के चरित्र से संतुष्ट नहीं था। बहन आए दिन जो है घर से गायब हो जाती थी और इसकी बात नहीं मानती थी। इनसे जो ही अल्टीमेटली परेशान हो गया था। फिर जो इसका साथी जो अपराधी प्रवृत्ति का है उसको इसने जो है प्रलोभन दिया। उसने जो अपने हथियार से लड़की का मर्डर किया था ले जाके। और हाँ जो इसका साथी था तो इसके ऊपर कोई मुकदमे इसके साथी पे मुकदमे हैं। 3 शाहपुर में है, 1 कैंट में मुकदमा है, चोरी और लूट के मुकदमे हैं। गोरखनाथ से भी एक मुकदमे में इसके जाने की बात आई है। ये खुद कह रहा है लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। आपराधिक चरित्र का है मारा था बल्कि इसने इसकी अपनी बहन को बुला के उसको हैंडओवर किया था। इसकी सिस्टर जो है ये एक जगह काम करने के लिए जाती थी। घर का काम जो होता है बर्तन मांजना वगैरह। तो 7 बजे करीबन शाम को उसका काम ख़त्म हो गया था। उसके मालकिन से बात हो गई, वो निकल गई वहाँ से। तो इन्होंने उसको रास्ते में ही सिकंदर ने कामदेव की बाइक लेके उसको बिठाया बाइक पे, फिर ये बैठा और उसको लेके गए ये प्रलोभन देके कि हम लोग आपको तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से मिला के वहाँ से भगा देंगे, तुम चली जाओ वहाँ से। तो इसी इसमें वहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ लेके गए और उसको मार दिया। नहीं अभी अब तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। विप्रामी आश्वासन था तो दोस्ती में दोनों एंगल है, दोनों ही है पहले से, दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के है ही दोनों। दोस्ती का भी एंगल है और ये आश्वासन भी दिया था कि सर उससे पूछताछ हुई है। उससे पूछताछ हुई है लेकिन उसको इसमें कोई भूमिका नहीं है। घटना के समय भाई मौके पर नहीं था लेकिन भाई ने बहन को एक तरह से अपने साथी को हैंड ओवर किया। नहीं, गोलियां मारी गई थी, नुकीला हथियार कोई नहीं था। गोलियां मारी गई थी 32 बोर के रिवॉल्वर से। बस जितना है पता है कि गोली मारी गई थी। नहीं, फायर आर्म इंजरी है। फायर आर्म इंजरी है। कितनी गोली लगी थी? दो गोली एक पेट में थी, एक पेट में, एक सर में। निशान वो ब्लड के ऐसे दिखाई दे रहे थे, स्टेन्स होते हैं ब्लड के।